नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2018 राइडर मेनिया इन गोवा। सबसे पहले चलते हैं हमारी इंटरसेप्टर 650, जो थोड़ी ही देर में जीडी और इंटरसेप्टर पहुंचने वाली हैं यहाँ पीछे स्टॉल पे। यहाँ पर इन दोनों के स्टॉल लगेंगे। ये राइडर मेनिया में सबसे यूनिक चीज़ यही है कि हमारी इंटरसेप्टर 14 तारीख को लॉन्च हुई है, गोवा में ही हुई है लॉन्च, होटल डब्लू में। तो ये दोनों गाड़ियाँ हैं और दोनों गाड़ियाँ डुअल चैनल एबीएस हैं ऑयल कूलेंट के साथ में। यहाँ पर आप इसमें ऑयल कूलेंट भी देख सकते हैं। और ये दोनों बाइक की थी जो लॉन्च हुई थी, मतलब जिस टाइम लॉन्चिंग टाइम था इन दोनों बाइक को वहाँ रखा गया था। तो आप सीधे उसी बाइक को देख रहे हैं जो डुअल चैनल एबीएस है। दोनों ही बाइक और दोनों का इंजन बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंट, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम इंजन, डबल सिलेंडर, और वहाँ पर भी डबल सिलेंडर, दोनों सेम बाइक हैं। बस चेंज है तो मेरे को तो अगर एक नज़र में देखा जाए तो एक टैंकी और एक हैंडल, ये टैंक और ये वाला टैंक, ये वाला टैंक, ये वाला टैंक, एक हैंडल, जो मेरे को इंटरसेप्टर का ज़्यादा बढ़िया लगता है यार। ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, इसमें किसी की कोई बनाई हुई बात नहीं है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरे को इसका इंटरसेप्टर का हैंडल बार अच्छा लगा और जीटी कॉन्टिनेंटल का आपने पहले से ही देखा है। यहाँ दोनों बाइकों को देख सकते हैं। अब ज़रा आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ का मेन स्टेज हो गया, जो इसमें यहाँ पर सॉन्ग या जो भी अनाउंसमेंट होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इधर स्टॉल हो गए, सामने की साइड में स्टॉल हैं, इधर थोड़ा खाने पीने की है, ये पंडाल है यहाँ का। और इधर जो रॉयल इनफील्ड की मेन एसेसरीज रहेंगी वो यहाँ सामने की साइड में रहेंगी, इधर की साइड में। और देखिए आर्टिस्ट अपनी कला दिखा रहे हैं, पेंटिंग चल रही है और वो भी कमाल की, काफ़ी टाइम इन्होंने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इनको। अगर एक लुक में बताया जाए तो सिग्नल हिमालयन विद एबीएस आ चुकी है। और ये भी हमारे डुअल चैनल एबीएस है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, डुअल चैनल एबीएस। ये जो शख्स मेरे सोनर, मतलब इनके पास, मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ जो ये लेके आए कार वेरी की यहाँ इवेंट में, रॉयल इनफील्ड कार वेरी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी बाइक। तो देखिए आपको रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर का इंजन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि इंजन का जो अंडे वाला कार है ना वो कैसा है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और डबल चैनल एबीएस, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डुअल चैनल एबीएस, कमाल की चीज़ है। यह है साइलेंसर के ऊपर रखा एक सेंसर, हीट सेंसर, देखते हैं काम करता है नहीं करता है, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में मेरे को डिटेल में वीडियो इसीलिए नहीं बनाई मैंने। ऑयल कूलेंट और ऑयल फिल्टर, यहाँ जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, ये है ऑयल फिल्टर, इसके नीचे ऑयल कूलेंट के पाइप ऊपर की साइड जा रहे हैं, ये भी कमाल की चीज़ है। देखते हैं कैसा रहता है कॉन्सेप्ट रॉयल इनफील्ड का। और जो भी है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं हूँ राइडर मीनिया में, जल्दी मिलते हैं।